ओम शांति। ये ओम शांति शब्द कितना प्यारा है, क्योंकि जब हम ओम शांति अर्थ से समझते हैं, ओम शांति का अर्थ क्या है, अर्थ से ओम शांति कहने से तीन बातें याद आ जाती। एक ओम शांति कहने से तीन बातें याद आती। एक तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अपना स्वरूप याद आया। और दूसरी बात तो मुझे आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी शांति का सागर है। सिर्फ शांति का नहीं, लेकिन सुख प्रेम सबका सागर है। विशेष ओम शांति है तो शांति का सागर है। और तीसरी बात तो मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी स्टेज पर पाठ बजाने आई हूं, लेकिन आत्मा का घर कहाँ है? शांति धाम। तो घर की भी याद आती, पिता की भी याद आती और अपने स्वरूप की भी याद आती। तो एक ओम शांति कहने से अगर तीनों ही बातें याद आ जावे, सिर्फ बोलने से नहीं, स्वरूप में स्थित होने से, ओम शांति एक शब्द भी अशांति को मिटा देता है, समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देता है। जैसे मानो अचानक कहां आग लग जाती है, तो आग के समय क्या याद आता है? पानी। ऐसे हमारे इस भ्रमण जीवन में भी मानो चलते चलते, क्योंकि पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थी शब्द नहीं कहो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी। तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? तीव्र पुरुषार्थी है ना? हाँ? पांडव तीव्र तीव्र। तो तीव्र पुरुषार्थी हम हैं, तो इसके बीच में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं तो आनी है, आती है। तो इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर सिर्फ ओम शांति शब्द अर्थ से कहें, तो तीनों ही स्मृति आने से वो जैसे आग में पानी काम करती है ना, वैसे हमारे समस्या में समाधान का रूप बन सकता है एक ओम शांति शब्द। तो बाबा कहता है सिर्फ ओम शांति शब्द में भी टिक जाए ना, तो सदा कैसे रहेंगे? सदा खुश। समस्या समाप्त हो जाएंगी,
और हम सदा ही बाबा की याद में, अपने स्वरूप की याद में एवर हैप्पी रहेंगे। तो ओम शांति शब्द का इतना महत्व है, ये सदा ध्यान में रहे। क्योंकि मुरली तो हम सभी सुनते ही है, तो मुरली में पहला पहला शब्द क्या होता है? ओम शांति। तो ये एक भी अर्थ से याद रखे ना, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सहज लगेगा। तो बाबा कहती है, बाबा कहते हैं मुझे एक बात बच्चों की अच्छी नहीं लगती है, एक बात कौन सी पता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, माया आई और मेहनत करती है माया जीत बनने की, फिर मेहनत में थोड़ा सा अगर कमी पेशी हो जाती है तो बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है ना, तो जिसके साथ प्यार होता है उसकी मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो एक ओम शांति शब्द अर्थ से अगर हम याद रखें तो हम मेहनत के बजाय, हिंदी में शब्द एक है मेहनत, दूसरी है मोहब्बत प्यार। तो बाबा कहते हैं मेहनत बच्चों की नहीं अच्छी लगती, लेकिन मोहब्बत प्यार ये बच्चों का अच्छा लगता। क्योंकि 63 जन्म तो हमने बाबा को पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो बाबा कहता है कि आधा कल्प आपने मेहनत की और अभी जो संगम युग है ये है मोहब्बत का युग। इस युग में ही आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती, परमात्म प्यार की प्राप्ति होती है। तो संगम युग में भी अगर बच्चों को मेहनती करनी पड़े तो संगम युग का महत्व क्या हुआ? इसीलिए बाबा आएगा तो आपका चेहरा कौन सा देखेगा? प्यार में समाई हुई शिकलियां देखेगा ना बाबा? हाँ, पक्का पक्का, मेहनत का चेहरा नहीं, मोहब्बत का चेहरा। और हम लोग सोचे भी तो बाबा ने मेहनत दी भी क्या है? जिससे प्यार होता है, जैसे अभी गीत बजा कि बाबा ही मेरा संसार है, तो आप देखें कि हमको सारे दिन में जो भी याद आती है तो संसार में जो है वही बातें तो याद आती है। संसार में क्या होता है? संबंध होता है, और जो साधन है वो होते हैं प्राप्ति के। तो बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ जुट गए हैं ना, सर्व संबंध।
और सर्व प्राप्ति भी जो अविनाशी प्राप्तियां है वो भी हमें बाबा द्वारा हो रही है, और साधनों द्वारा जो भी प्राप्ति होती है वो अनुभव कर चुकी है अल्प काल की, और बाबा द्वारा जो प्राप्तियां होती है वो अविनाशी। तो बाबा कहते हैं जब बाबा ही हमारा संसार है, कहते हैं गीत हम नहीं गाते हैं, हमारे तरफ से बाबा ने गीत किसे कहलाया। हम लोग अगर गीत गाने में लग जाए तो फिर इसी काम में लग जाएंगे ना, इसलिए हमारा अनुभव गीत द्वारा दूसरे गाते। जब संसारी बाबा है तो और रहा क्या, तो सुते ही बाबा की याद आती। और आज तो बाबा ने मुरली में हमें क्या याद दिलाया कि बच्चे मैं हजूर हाजिर हूं, याद रहा। आधा दिन शाम हो गई है तो आज सारे दिन में ये याद रहा कि हजूर हाजिर है हमारे सामने। दूसरे शब्दों में हम उसको कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। अपने शब्दों में ये तो एक उर्दू के शब्द है, लेकिन हमारे शब्दों में मुरली के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। कंबाइंड चीज कभी भूलती नहीं है, कोई साथ में होता है तो साथ में रहने वाला कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन कंबाइंड तो अलग नहीं होता। और हम ये कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है पांडव, कांधे लो, कंबाइंड है ना। ये क्यों कंबाइंड बाबा ने कहा है, क्योंकि क्या है, बाबा जानते हैं ना। तो हम बच्चे तो पुरुषार्थी है, तो कभी कभी कोई शक्ति है तो बहुत शक्तियां ना, लेकिन कोई भी शक्ति हमारे में कम हो जाती है तो हम थोड़े से दिल शिकस्त हो जाते हैं, बहुत ये समस्या बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कंबाइन इसीलिए बाबा रहता है, चलो हमारे में मानो सहन शक्ति कम है, जानते हैं सहन शक्ति क्या है, लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते हैं, समय पर भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मानो आप में सहन शक्ति कम है, लेकिन जो बाबा सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है तो उसमें तो वो शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड किस लिए मैं बनाऊं, कंबाइंड इसीलिए बना हूं कि समय पर आप मेरे सहयोग ले सको। कोई भी साथ में साथी होता है तो साथी क्यों बनाया जाता है, समय पर सहयोगी बनते हैं एक दो के।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मानो आप में कोई शक्ति की कमी है तो मैं तो कंबाइन हूं ना आपके, तो कंबाइन से क्यों नहीं सहयोग लेते। बाबा सर्वशक्तिमान है और मेरे में शक्ति नहीं है, तो बाबा से शक्ति कंबाइन से मदद तो ले सकते हैं ना, और बाबा से मदद अगर ले ले उस समय तो हमारी हार हो सकती है क्या? सर्वशक्तिमान से शक्ति मेरे को तो मिलेगी ना मदद। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना बाबा का नजदीक का संबंध प्रैक्टिकल में लाते हैं, कहते हैं कंबाइंड, लेकिन समय पर कंबाइंड बाबा है, सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है, वो भूल जाता। माया क्या करती है, माया भी तो है ना, युद्ध तो है, तो माया ऐसे समय पर ही भुला देती है बाबा का कंबाइंड रूप, उस समय अकेला कर देती है। वैसे भी देखो कभी भी कोई अटैक करता है ना, साधारण रीति से भी कोई अटैक करता है तो अकेला करता है। तो माया क्या करती है, कंबाइंड रूप भुला देता है और अपने को अकेला समझती है और मेहनत करते हैं, फिर मेहनत में कभी विजयी बनती है कभी हार हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है जो कहते हो ना कंबाइंड है तो समय पर मदद लो, समय पर याद आना चाहिए कि बाबा मेरे कंबाइंड है, बाबा में कोई शक्ति की कमी नहीं है, साथी मेरा इतना शक्तिवान है जो मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नशा, और आज तो बाबा ने बार बार कहा है हजूर हाजिर है, आप सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, एक होता है वैसे कहना मेरा बाबा, समझना नॉलेज है मेरा बाबा है, लेकिन मेरा बाबा जो मेरी चीज होती है ना उस पर हमेशा अधिकार होता है। जैसे देखो ये रुमाल है मेरा, अभी है क्या रुमाल, लेकिन मेरा है तो मेरा अधिकार है ना, जैसे भी यूज करूं ना। ऐसे अगर हम कहते हैं मेरा बाबा, सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, ये तो कॉमन शब्द है ही हमारा और दिल का शब्द है, जब मेरा बाबा कहा तो मेरे ऊपर तो अधिकार होता है। तो बाबा कहते हैं जब मेरा कहती हो और अधिकार है आपका तो क्यों नहीं टाइम पर इस अधिकार को यूज करती। सिर्फ गलती हमारी क्या हो जाती है, जो समय पर भूल जाता है समय के लिए मदद की आवश्यकता, लेकिन समय पर ही भूल जाता है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती। और हमने प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया होगा, जब भी कोई ऐसा समय आता है पेपर का, पेपर ही कहेंगे, उस समय
माया कोशिश करती है अकेला करने का। मेरा कहते हुए भी अधकार याद नहीं आता। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार चेक करो, और चेक करना सिर्फ चेक नहीं करो, चेक के साथ चेंज करने की भी शक्ति चाहिए। मानो हमने चेक किया कि मैं बॉडी कॉन्शियस हो गई हूं, बॉडी कॉन्शियस होने से मेरे में शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं है, चेक किया, लेकिन चेंज करने की अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो फिर भी हमारे उन्नति नहीं होगी। इसलिए चेक करो और चेंज करो। विस्मृति जो हो जाती है, बाबा मेरे कंबाइंड है, हजूर हाजिर है हमारे लिए, कितनी नशे की बात है कि भगवान कहता है, हजूर कहता है, मैं तुम बच्चों के लिए हाजिर हूं। इतनी भगवान ऑफर कर रहा है, कितनी अच्छी ऑफर बाबा कर रहा है। तो बाबा की ऑफर को समय पर याद करने से हमारे में शक्ति आती है। तो सिर्फ हम कहे नहीं, लेकिन जो कहते हैं उसको समय पर काम में लाए तो सदा हमारी निर्विघ्न जीवन होंगी। और बाबा ने कह दिया है कि सदा अपने को बाबा साथ है इस नशे में, इस खुशी में रहो। खुशी कभी भी अपनी गमाओ नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे और खुशी हो नहीं कौन मानेगा भगवान के बच्चे हैं। मानो हम कभी खुशी गायब हो जाती है तो उदास हो जाती है, थोड़ा चेहरा बदल जाता है, चलन बदल जाती है, और हम कह रहे हैं हमको तो भगवान पराता है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, कौन मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी कभी नहीं गमाओ। हमारे को बाबा बुलाता ही क्या है, खुश किस्मत वाले, खुश नसीब। टाइटल ही बाबा देता है खुश नसीब है, यानी भाग्यवान, खुशी के भाग्यवान है। खुश नसीब का अर्थ है खुशी के भाग्य प्राप्त करने वाले। और हमने पहले भी सुनाया था लेकिन अभी सभी तरफ के इकट्ठे हुए हैं तो हमको मम्मा हमेशा समझाती थी। तो खुशी जाती कैसे है, कभी चेक किया है आपने? अनुभव तो होगा, कभी न कभी खुशी जाती है, उसका अनुभव तो होगा, लेकिन ये चेक किया है तो खुशी जाती कैसे है? अगर आपको पता पड़ जाए कि ये खुशी के जाने का रास्ता है, गेट है, दरवाजा है, तो आप वो दरवाजा बंद कर देंगे तो कभी खुशी नहीं जाएंगी ना। तो आपको पता है खुशी के जाने के
पांच दरवाजे हैं। सुना तो है, रिवाइज हो रहा है। वो पांच दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा क्या है? क्यों 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 ना। दूसरा है फिर क्या? तीसरा है कौन? कब तक? कैसे? ये पांच दरवाजे। मुख्य दरवाजा है क्यों, और एक क्यों शब्द आने से, क्यों कहा आपने और उसके पीछे, एक क्यों के पीछे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। आप सोचिए, अपनी लाइफ को सोचिए, सामने लाओ। कभी भी आपके अंदर कोई बात हो गई और आपको आता है ये क्यों, क्यों कहा, व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए। और व्यर्थ संकल्प की स्पीड जो है ना, वो बहुत तेज है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। अभी यहां बैठे हो ना, आबू में बैठे हो, कितना सुंदर स्थान पर बैठे हो। मानो यहां बैठे बैठे आपको कोई बात ऐसी याद आ गई बीती हुई, और उसमें आपको क्यों शब्द आया, तो एक सेकंड में आपकी क्यों शुरू हो जाएंगी। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाएंगी। बात हुई होगी जहां से आप आए हो अपने देश में, और बैठे हो आबू में, लेकिन क्यों कहा उसके विस्तार में गए, तो आप एक सेकंड में बिना टिकट के पहुंच जाएंगी वहां, जहां से भी आई हो। यूरोप में पहुंच जाएंगे, अमेरिका में पहुंच जाएंगे सेकंड में, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं। तो ये खुशी गायब होने के जो है, इसको बंद करो बाबा के, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी है। हमारा टाइटल है, बाबा ने दिया है त्रिकालदर्शी। आद मध्य अंत तीन कालों को जानने वाले, तो क्या त्रिकालदर्शी हूं? तीन कालों को जानने वाली हूं और वर्तमान को नहीं जान रही हूं। तो त्रिकालदर्शी कैसे हुए? इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे बगीचे में जाओ तो गुलाब का पुष्प होता है, खिला हुआ होता है, बहुत अच्छा, कितना सुंदर लगता है। वही गुलाब का पुष्प अगर मुरझाया हुआ हो तो अच्छा लगेगा? तो खुशी अपनी कभी नहीं। होता क्या है, जो बात हो जाती है ना, हो गई, कोई ने उल्टा सुल्टा आपके लिए बोल लिया आपको, और सबसे ज्यादा सभी क्या कहते हैं कि जब कोई झूठी बात मेरे ऊपर लगाते है ना, है नहीं लेकिन कह देता है ये ऐसी है, ये बहुत खराब है, मैं हूं नहीं खराब, मैं बड़ी अच्छी हूं, और कोई कह देता है ये तो खराब है, ये तो ये है, ये तो ये है। बस जब झूठ बोलते है ना, तो बहुत भाई बहन कहते हैं, उस समय मुझे क्रोध बहुत आ जाता है, झूठ पर क्रोध बहुत आता है। तो मम्मा, मम्मा ने हम लोगों को छोटेपन से पाला ना,
तो मम्मा क्या कहती थी, मम्मा कहती थी उसने तो झूठ बोला, ठीक है रॉन्ग है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोला, अच्छा वो रॉन्ग है। लेकिन आपको उसने झूठ बोला, उसकी फीलिंग आ गई, फीलिंग की बीमारी आई, तभी क्रोध आता है ना, ऐसे ही थोड़ी क्रोध आ जाता है। आपको फीलिंग की बीमारी हुई, ये क्यों कहते हैं, क्या है, कैसे समझती है, फीलिंग। तो फीलिंग की बीमारी राइट है। बाबा ने कहा है कोई मुरली में क्रोध करना खराब है लेकिन फीलिंग करना राइट है, कभी कहा है। उसकी गलती तो आप समझते हो लेकिन मैं भी गलत हो रही हूं, ये नहीं समझ में उस समय आता। क्योंकि फीलिंग की बीमारी जो है ना, वो कभी भी हिम्मत नहीं दिलाएंगी। जिसमें फीलिंग की बीमारी होगी ना, तो हम लोग पहले शुरू शुरू में क्लास करते थे ना आपस में, तो कहते थे फीलिंग की बीमारी ऐसी है जो फ्लू जैसा बुखार होता है ना, फ्लू का ऐसे। तो मामा कहती थी तुम उसकी रिपोर्ट तो ले आई कि ये रंग है, लेकिन आप अपने को देखो कि तुम रंग हो या राइट हो। तुम भी तो रंग हो गई, और रंग रंग वाले को क्या ठीक करेगा, कोई बंधा हुआ हो और बंधे हुए को छुड़ा सकता है क्या। तो मामा कहती थी कभी भी फीलिंग की बीमारी में नहीं आना। हमारे को क्या है, बात करने वाला, अच्छा झूठ बोल दिया उसने, वो तो झूठ बोल के हैरान, लेकिन वो जो भी झूठ बोला, उल्टा बोला सुल्टा बोला, वो तो आराम से जाके सो जाता है, उसको नींद भी अच्छी आ जाती, खाना भी खा लेता बहुत अच्छा। और जो मेरे में फीलिंग की बीमारी आई, वो क्या करता है, 7-8 दिन परेशान होता रहेगा। जैसे फ्लू के बुखार में मुख कड़वा हो जाता है ना बुखार में, और फीलिंग के बीमारी में मन कड़वा हो जाता है, होता है ना मन कड़वा, मानेगा ही नहीं मन, बाबा बाबा कहेंगे बाबा याद ही नहीं आएंगे, परेशानी परेशानी। आप एक एक मास तक भी परेशान होती रहेंगी बात को याद करके, और वो मौज में, तो फायदा। इसीलिए जो बीत चुकी ना, उस बीती हुई को याद करके फीलिंग में नहीं आओ, इसीलिए खुशी गुम हो जाती। और हमको बाबा ने कहा है तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई वर्ल्ड में है ही नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा ने होमवर्क दिया था कुछ समय पहले, बाबा ने कहा था कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो, ये होमवर्क दिया था बाबा ने। और दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया था, या इंडिया में कहावत है कि न दुख दो न दुख लो, देना भी रंग है लेकिन लेना भी रंग है। बहुत करके आप देखेंगे दुख देना
कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन लेते बहुत जल्दी है। कोई ने आपको दुख दिया, देने वाला और लेने वाला अलग अलग होता है, एक होता है, अलग अलग होता है ना। अभी मैं आपको कोई चीज देती हूं, खराब है वो चीज, आपके काम की नहीं है, आप क्या करेंगे? संभाल के खीसे में डालेंगे, अलमारी में संभाल के रखेंगे, फौरन फेंक देंगे ना, या फेंक देंगे या हमें वापस कर देंगे। जब कोई दुख देता है, लेने वाली तो मैं हूं ना, देने वाली वो है, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाली तो मैं हूं ना, मैं लूं या नहीं लूं ये मेरे ऊपर है ना। उस समय हम ये सोचते हैं, इसने ये किया ना, इसलिए मेरी अवस्था ऐसी होगी। दोष उसके ऊपर रखते हैं, दूसरे के ऊपर, लेकिन मैंने लिया, मेरी गलती है, लेना लिया क्यों? मैं उसी समय अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, खराब बात है, तो खराब बात मैं मन में बिठा देती हूं। फीलिंग किस में आती है? मन में ना। और मन मेरे बाबा के लिए है, दिल या मन, हम कहते हैं हमारे मन में, हमारे दिल में तो दिलाराम बाबा रहता है, उसी दिल में मन में हमने किसको बिठा दिया? फीलिंग को, दुख को। बाबा कैसे बैठेगा? तो बाबा ने होमवर्क दिया था, तो चेक करो कि दुख मैंने दिया नहीं, लेकिन लिया। अगर लिया भी, दिया नहीं लेकिन लिया भी, तो खुशी तो गायब हुई ना, सुख तो अनुभव नहीं होगा ना। और हमारी ये भ्रमण जीवन जो है, वो सबसे सदा सुखी रहने की, सदा खुश रहने की ये भ्रमण जीवन है। सतयुग में भी दुख सुख के ज्ञान नहीं होगा, सुख होगा लेकिन दुख भी होता है उसका ज्ञान नहीं होगा। संगम पर हमको दुख का भी अनुभव है, उसके अंतर में सुख क्या है उसका भी अनुभव। तो कभी भी हमारे अंदर जो भी माया के रूप आते हैं वो दुख ही तो देते हैं ना। लेकिन हम दुख लेते क्यों है? लेना अगर बंद कर दें तो आधा दुख तो दूर हो गया ना। और जो लेता नहीं है वो देने में भी नहीं बच जाएगा, आदत पड़ गई ना लेने की, नहीं तो देगा भी नहीं। और दुख न देगा न दुख लेगा तो कैसा रहेगा? सदा सुखी नाचता रहेगा, सुख के झूले में झूलता रहेगा। और अगर लाइफ जो मानी जाती है श्रेष्ठ जीवन, वो तो सुखी जीवन है ना। हम ब्राह्मण बने क्यों? चल रहे थे ना, जैसे भी जीवन थी वैसे चल रहे थे, लेकिन ब्राह्मण क्यों बने? ब्राह्मण बने ये कि हम सदा सुखी रहें।
दुख दूर हो जाए, क्यों 63 जन्म तो दुख सुख के अनुभवी बन गए ना। तो ये ब्राह्मण जीवन जो हमारा है वो सदा सुखी रहने का, सदा खुश रहने का, तो ये चेक करें। और उसका कारण क्या होता है दुख लेने का या खुशी गायब होने का, कोई न कोई बॉडी कॉन्शियस के कारण कोई न कोई कमी पड़ जाती है। उस समय बाबा भूल जाता है। तो हमेशा बाबा को चाट क्या बताना है, बाबा हम सदा ही खुश नसीब है, खुश रहते हैं और खुशी बांटते। हमारा काम ही ये है, रहना और बांटना। और आप देखो एक खुशी शब्द जो है ना, हैप्पी, एक शब्द में जीवन में तीन चीजें चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पी। ये है अच्छी जीवन, हेल्थ वेल्थ हैप्पी। खुशी शब्द में तीन ही आते। कहा जाता है इंडिया में कहावत है, तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुराक माना हेल्थ, और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। खजाना माना वेल्थ, और खुशी हैप्पी तो है ही है। तो एक खुशी शब्द में हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों ही। तो अगर हम सिर्फ खुश रहें और बातें चलो, एक ही शब्द याद रहे, खुश रहना है, एवर हैप्पी, समटाइम नहीं। बाबा ने कहा था समटाइम और समथिंग, ये दो शब्द खत्म, डिक्शनरी में है नहीं ब्राह्मणों के, समटाइम समथिंग, ये खत्म। तो हमारी जीवन ऐसी चाहिए। बाबा कहते थे वहां गुलाब जो होता है ना उसको कहते हैं रूहे गुलाब, बाबा ने कहा तुम रूहानी गुलाब, सदा तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखाई दे जैसे रूहानी गुलाब खिला हुआ, दूर से ही आकर्षण करने वाला, खुशी देने वाला। तो कल बाबा आएगा तो हमारा चेहरा कैसा देखेगा, रूहानी गुलाब खिला हुआ, जरा भी इफेक्ट डिफेक्ट नहीं, सभी बाबा को क्या दिखाई दे, रूहानी गुलाब। जो भी हो ना, कुछ भी कमी ना, आज रात को सोते टाइम बाबा को दे देना, बाबा देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, मानो कोई चीज कोई देता है उसको अच्छी नहीं लगती है, वो क्या करता है, मम्मी पापा ये ले लो मेरे काम करने, देता है ना, ऐसे करता है ना। तो हम भी, हमारा बाबा तो बड़ा बाबा है, दाता है, तो जो भी मेरे को तंग करती हो बात, जो भी कुछ हो ना ऐसी, आज रात्रि को सोने के पहले बाबा को दे देना, बाबा आप ले संभालो मेरे को नहीं चाहिए। हजूर हाजिर है, आज तो बाबा ने पाठ पढ़ाया है, हजूर हाजिर है,
तो हजूर हाजिर है, हजूर को दे दो, अपने दिल से निकाल लो बाबा, मेरे को नहीं। कभी भी कोई भी बात आवे ना, हम लोगों ने छोटेपन से बाबा ने यही सिखाया, कोई भी ऐसी बात आवे बाबा, बस दिल से कहो बाबा, ऐसे नहीं मंत्र माफक नहीं, लेकिन दिल से, दिल कहे मेरा बाबा। और बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है। जब दिल से कहा मेरा बाबा और बाबा को दे दिया, तो कई भाई बहन कहते हैं तो हम तो बाबा को देते हैं लेकिन फिर वापस आ जाता है ना, तो क्या करे? चाहते नहीं है लेकिन वापस आ जाता है। क्यों वापस आता है? क्योंकि बहुत आधा कलप आपने उसको संभाला है। अभी कुत्ता बिल्ली होता है ना, उसको भी संभालते हैं घर में, उसको बाहर कितना दूर भेज के आते हैं। हमारे पास भी एक गऊ थी बाबा के होते, वो थोड़ी बीमार थी, ठीक नहीं थी, उसको काफी दूर छोड़ के आए, फिर वो आ गई। तो बाबा ने कहा ये पली हुई है ना यहाँ की, तो वो रास्ता जान गई है, वो आएगी वापस जरूर। तो ये भी आधा कलप उसको संभाला है ना बातों को, उल्टी सुल्टी बातों को, तो वो वापस आती है, आएगी जरूर, आती है। लेकिन हमको ये सोचना है कि मैंने अपनी ये चीज है खराब लेकिन अपनी बन गई ना, तो मैंने बाबा को दे दी। अगर मानो आपने कोई चीज किसको दी और फिर वो वापस आपके पास आ जाए, आप रखेंगे अपने पास? ये रुमाल है मैंने आपको दे दिया, आपका हो गया, मानो गलती से फिर मेरे पास आ जाता है, तो मैं क्या करूंगी? रख दूंगी कि वापस करूंगी? तो हमको ये सोचना चाहिए मैंने बाबा को दे दिया फिर भी अगर मेरे पास वापस आए तो मुझे नहीं रखा। अभी चलो एक सेकंड में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मन मन मना बस, और कुछ नहीं। ओम शांति। तो यही जो बाबा के दो होमवर्क मिले हुए हैं हमें, एक खुशी नहीं गमाना, दुख नहीं लेना, तो सदा ही बाबा ने जो कहा है बेफिक्र बादशाह, कोई भी माया की परवाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। और बाबा हमेश कहता है, जब भी बाबा आता है तो बाबा हमेश कहता है मेरी सब बच्चों के प्रति यही दिल की आशा है। बाप की बच्चों की में आशाएं होती है ना, बच्चों को कहा ही जाता है आशा के दीपक। तो बाप की हम एक एक बच्चे के प्रति कौन सी आशा रहती है? बाबा कहते हैं अभी मैं ये देखने चाहता हूं कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो राजा बच्चा हो, राजा अधिकारी, अधीन नहीं, राजा बच्चा यानी मन बुद्धि संस्कार जो ही बीच बीच में
स्थिति को नीचे ऊपर करती है ना, मन बुद्धि संस्कार पुराने, तो इनके राजा बन जाए, कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो। संस्कार क्या कर सकता है जब मैं राजा हूं तो? ऑर्डर मानेंगे ना। तो मन बुद्धि संस्कार के राजा बन जाए, जो ऑर्डर करे वो माने। यथारथ राजा तो उसको कहा जाता है जो ऑर्डर करे वो मान जाए, तभी है राजा। तो बाबा यही हमारे से श्रेष्ठ आश रखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने। इसलिए हमारे योग का नाम है राजयोग, प्रजा योग नहीं है, राजयोग है। तो हम सब राजयोगी है, राजे बच्चे हैं बाबा के। यही बाबा हम सबको देखने चाहते हैं और हम अभ्यास भी यही कर रहे हैं। तो बाबा को यही हमारी तस्वीर दिखाई देवे कि सब ये राजाएं बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, अधीन वाले, माया के अधीन नहीं, कभी कैसे कभी कैसे नहीं, सम टाइम नहीं, सदा ही राजा। तो ऐसे बाबा चाहता है और आप तो इसी उम्मीदों से आए हैं कि बाबा को अपना कैसा चेहरा दिखाएंगे। बेफिक्र बादशाह राजा, तो बाबा खुश हो जाएगा, वाह मेरे बच्चे वाह कहेगा। ओम शांति। ओम शांति। सब डबल विदेशियों की तरफ से, शांतिवन निवासी सेवादारियों की तरफ से आदरणीय दादी दाजी जी को हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। उन्होंने अपना अनमोल्य समय हम सबको ज्ञान रत्नों से भरने के लिए दिया था।